भगवान की दया से पन्ना भाभी को लड़कियां हुई है। अब तेरा रास्ता साफ है। कैसा रास्ता मम्मी? अरे तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तू है ना रोज सुबह में जाकर अपने दादाजी के पास बैठा कर। क्यों? अरे सामने सवाल मत पूछ, जैसे मैं कहती हूँ ना वैसा कर। तू है ना अपने दादाजी को वश में कर ले। नानावटी खानदान का राजकुमार है तू, पर मैं राजमाता। ए तूने टेबल्स याद किए कि नहीं? नहीं मम्मी अभी नहीं करना है। नहीं करना है, मैथ्स की बात आती है तो वैसे ही नहीं करना है। हर वक्त ऐसा करता रहता है। मैं ये छोड़ उसे, छोड़ उसे। जा बेटा तू बाहर जाके खेल जा। भगवान जाने ये मैथ्स में कब इंटरेस्ट लेगा। यूं डांट फटकार करने से तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो मैं क्या करूँ मम्मी? अरे उसे बड़ा हो जाने दे, अभी तो वो छोटा बच्चा है। उसे धीरे धीरे समझाओ कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उसे नानावटी एम्पायर के बारे में सब कुछ बताओ। बता दिया है। एक बार बता देने से वो समझ जाएगा क्या? अभी तो छोटा बच्चा है, उसकी उम्र के जितना वक्त तो दो उसे। मुझे बहुत जल्दी है। जल्दबाजी से अक्सर काम उल्टे हो जाते हैं। जल्दबाजी मत कर बेटा, देखो भगवान भी तुम्हारे साथ है। पन्ना को बेटियां हो गई, अब एक रश्मि बाकी है। उसे भी अगर लड़का ना हुआ तो समझो हमने बाजी मार ली। मम्मी तुम तो हर वक्त मेरे बेटे के रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती हो। मैं? वो कैसे? अब रश्मि के बेटे की जो बात उठाई, उसे बेटा नहीं होना चाहिए, वो क्या हमारे बस की बात है? पन्ना को लड़का ना हो ये भी तो हमारे बस के बाहर की बात थी, लेकिन हुआ ना, बस वैसा ही होगा। अब दिल से प्रार्थना करो कि इस खानदान में किसी को लड़का ना हो। मम्मी अपने बेटे के लिए राजपाट की अपेक्षा रखना गलत है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं ऐसे ही पूछा। एक माँ को पूरा अधिकार है कि वो अपने बेटे के प्रति आकांक्षा रखे। कैके ही चाहती थी कि भरत राजा बने, गांधारी चाहती थी कि दुर्योधन राज सिंहासन पर विराजमान रहे। लेकिन मम्मी वो दोनों माओं की अपेक्षा पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनके खानदान में एक से ज्यादा लड़के थे। तुम्हारे बारे में ऐसा तो है नहीं। रश्मि के लिए भी प्रार्थना करो कि उसे भी लड़की हो जाए। लेकिन फिर भी मम्मी मुझे एक डर सा लगा रहता है। डर? वो क्यों? माँ जी के एक स्वामी जी है, उन्होंने कहा था कि ये लड़का राजपाट से हमेशा दूर रहेगा। दूर रहेगा मतलब? मैंने भी यही पूछा तो यूं ही मुस्कुरा दिए, कहने लगे ये लड़का तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं करेगा। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अक्षय को मैं नानावटी खानदान का वारस बना के रहूंगी। स्वामी जी देखेंगे, सब देखेंगे, ये दुनिया भी देखेगी। हाय पूर्णिमा। अरे राजू तू, व्हाट अ सरप्राइज। यही टेलीफोन एक्सचेंज आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलो। बहुत अच्छा किया। और सुनाओ क्या है आंटी? रात भर सिलाई कर रही थी, पहुंचाने गई। और खुश तो हो? बहुत खुश हूँ पूर्णिमा। मैं झूठी तारीफ में नहीं मानता, पर सच कहता हूँ तुमने जो किया है ना, अगर हर कोई लड़की ऐसा कुछ करे ना, समझो इस दुनिया का बेड़ा पार। लोग तो ऐसा नहीं मानते राजू। अरे लोगों को मारो गोली, लोग तो कुछ भी समझेंगे। और कहा है हमारे भांजे महाराज, गुड्डू मुन्ना चिंटू का है का? उसका नाम करण है। करण? करण घर पे नहीं है, माँ उसे अपने साथ ले गई है। पूर्णिमा ये करण, करण ये बहुत इतनी नन्ही सी जान के लिए आर्टिफिशियल साउंड नहीं करता? अच्छा कल साउंड करता है। अच्छा कल। अच्छा ये लो रखो। ये क्या है? ये बबलू के लिए। करण के लिए? हाँ मुंह दिखाई। राजू पिछली बार तुम आए तभी तो तुमने दी थी मुंह दिखाई। हाँ मगर मुंह तो इस बार भी देखूंगा ना इसलिए। और ये लो इसको अपने पास। अच्छा 50 तो रखो। राजू रख दो। अरे मैं तुम्हें थोड़ी ना दे रहा हूँ।
और भांजे का हक बनता है मामे पर। लो रख लो, जब बड़ा हो जाएगा खुद ब खुद मामा से ले लेगा। लो अच्छा दूसरी अच्छी नोट देता हूँ, ये लो राजू। देखो फिर मैं ज्यादा आग्रह नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। और पूर्णिमा तुम जब काम पर जाती हो तो चीकू को कौन संभालता है? करण को माँ संभालती है, चीकू का मुझे पता नहीं। माँ तो उसे इस तरह संभालती है जैसे उसका खोया हुआ बेटा। वैसे भी आंटी को बहुत चाह थी ना बेटे की। दिन भर करण को संभालती है और रात भर सिलाई का काम करती है। इसीलिए कहता हूँ गिरीश के साथ शादी कर लो। मुझे गिरीश के बारे में ना कुछ सुनना है ना ही कुछ कहना है। अच्छा छोड़ो इस बात, ये बताओ तुम्हारा और पल्लवी का मामला कहाँ तक पहुँचा? बस मैं उससे शादी के लिए पूछने ही वाला हूँ। ओहो ये तो मैं एक साल से सुन रही हूँ। नहीं वो क्या है ना आखिरी घड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। क्या हुआ बेटी, मुझे क्यों बुलाया और ये सर पे पट्टी क्यों बांध रखी है? बहुत सर दर्द है माँ। तो फिर बाम लगा ले बेटा, सर पे पट्टी बांधने से तकदीर ढक जाती है। तकदीर तो वैसे ही ढकी जा रही है। क्या मतलब? मम्मी बाबूजी ने पन्ना भाभी की बेटियों को बिजनेस सौंपने का सोच रखा है। क्या? जब मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी तो बड़े ठाट से कहा था कि नानावटी खानदान की बहू एक बार काम नहीं कर सकती, और अब मैं देख रही हूं कि घर की सारी औरतें काम करती है। सोनल रेडीमेड गार्मेंट का एग्जीबिशन लगा रही है। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है, वो अकेली हो गई है। भले ही वो घर से काम करती है लेकिन वो काम कर सकती है, और मैं फिल्म साइन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं छोड़ दिया, मैं अकेली नहीं हूं। ये कहां का इंसाफ है मम्मी? धीरज रखो बेटा। धीरज? कैसे धीरज रखूं मम्मी? सोनल को तो खैर घर के अंदर से ही काम करने की परमिशन मिली है, लेकिन अगर रिद्धि सिद्ध बिजनेस टेक ओवर करेगी तो क्या उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा? उस वक्त नानावटी खानदान की मर्यादा को कोई आंच नहीं आएगी? अरे तुम्हारे ससुर जी डबल स्टैंडर्ड वाले हैं, अपनी बेटियों को जो चाहे करने देंगे लेकिन बहुओं को नहीं। कैसे करने देंगे? कोई हुक्म शाही है क्या? मैं भी देखती हूँ कैसे रिद्धि सिद्ध बिजनेस टेक ओवर करती है, चाहे फिर वो कितनी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अरे तेरे ससुर ढोंगी हैं ढोंगी, उन्होंने सनत और पन्ना को खुश करने के लिए यूं ही कह दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पोतियों को सचमुच कारोबार सौंपेंगे। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, क्योंकि उनका औरतों के प्रति बहुत टिपिकल एटीट्यूड रहा है। खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हाँ धीरज रखो और देखते जाओ क्या होता है, और फिर उस हिसाब से अपनी चाल पक्की करो। बाजी तो उन्हीं के हाथ में है ना, हमें उन्हीं के फैसले का इंतजार करना है। छी, दूसरे के फैसलों पर निर्भर जिंदगी जीने से तो मर जाना बेहतर है। शुभ शुभ बोलो बेटा, और आखिर तक अपने उद्देश्य में विश्वास रखो, तभी तुम्हारी जीत होगी। कितनी सुंदर लड़कियां हैं, नाक तो देखो कितना ऊंचा है। दोनों किसके जैसी लगती है? किसके जैसे? पन्ना बेटी जैसी। ओहो देखो देखो आजकल के बच्चों को तो देखो, दो तीन दिन में ही आंखें खोलकर टुकुर टुकुर देखने लगते हैं। आराम कर। नहीं नहीं लेटी रहो बेटी, लेटी रहो, आराम कर लो, बाद में फिर मिले ना मिले। हाँ एक ही बच्चे में दम निकल जाता है और तुम्हें तो दो दो लड़कियां। अच्छा है लड़कियां हैं, अच्छा है। क्या? नाजायज लड़के से तो जायज लड़कियां कई अच्छी होती है। अरे देखिए आप, ये क्या बात हुई? कहा पूर्णिमा जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ डट कर खड़ी है,
और कहां आप जायज और नाजायज का मामला लेकर बैठ गए? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसा कहने से कैसे चलेगा? आपको तो हिम्मत बांधनी होगी। सारी दुनिया खिलाफ हो जाए तो चल जाए, पर मां खिलाफ हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ममता का रिश्ता जिंदगी भर का होता है ना? पता नहीं पूर्णिमा का क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, पूर्णिमा जैसी हिम्मत वाली लड़की का सब कुछ ठीक होगा। हिम्मत वाली थी तभी तो ऐसा कर पाई। ऐसा मत कहिए, उसने सचमुच प्यार किया है, वरना किसी भी अस्पताल में जाकर बच्चा गिराना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यही कर देती तो दुनिया भर की बदनामी से तो बच जाती। अबॉर्शन तो वो लोग करवाते हैं जो प्यार नहीं पाप करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी ने सच्चाई का दामन थामा है। किसी भी ब्याहता स्त्री की तरह पवित्र है आपकी बेटी। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? हाँ, और आप भी ऐसा ही सोचिए। लोग क्या कहेंगे उस पर मत जाइए। उसके संघर्ष को जितना आसान कर सकते हैं कीजिए। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन एक बात पूछूं? पूछिए। कल को अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगी? मैं तो पूरी इज्जत के साथ उसकी डिलीवरी कराती। अगर मेरी बेटी ने किसी पर विश्वास रखा है और वो लड़का उसके विश्वास के काबिल नहीं हुआ तो उसमें उसका क्या दोष है? तो ये बात लोग समझते क्यों नहीं? हमारे समाज में लड़कियों को इस तरह जीने का हक नहीं है, और जो इस तरह अपने मन मुताबिक जीना चाहती है उसे लोगों की बातों का लक्ष्य बनना ही पड़ता है। अच्छा लगा तुमसे बातें कर बहुत अच्छा लगा। तुम आज की लड़कियों में गजब हिम्मत है। अच्छा लगा, चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। सुनो, जब वो दो पलने आएंगे ना तब एक यहाँ रखना और एक वहाँ। क्यों? क्यों मतलब? मैं कह रही हूँ इसलिए। मगर ये पलने यहाँ रूम सजाने के लिए लगाए जा रहे हैं या पन्ना भाभी की सुविधा के लिए? ऑब्वियसली पन्ना भाभी की सुविधा के लिए। मगर इसमें पन्ना भाभी को सुविधा कहाँ मिलेगी? क्यों? एक बच्चा रोया तो उधर भागना पड़ेगा, दूसरा रोया तो उधर। जब दोनों सो जाएंगे तब दोनों को झूली देने के लिए अलग अलग दिशा में हाथ हिलाए। तुम्हें वो सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। क्यों? क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। तो मैंने कब कहा आप नौकरानी हो? ज्यादा जबान मत चलाओ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। देखो, जब पन्ना भाभी आएगी ना तब दोनों कर्टन्स बंद रखना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बहू जब भी बच्चे को लेकर घर आती है तभी अंधेरे कमरे में रहती है। लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप रिवाजों की पक्की है। मतलब? मतलब ये है कि ये रिवाज पुराने हो चुके। लेकिन हमारे यहाँ यही पुराने रिवाज चलेंगे। चलता होगा लेकिन अब नहीं चलेगा। माँ जी, माँ जी! क्या है बारू, क्या हुआ? देखिए ना माँ जी, नौकरानी कितनी बदतमीज है, इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मैं और आप मिलके पन्ना भाभी का कमरा सजा लेंगे। देखो मैडम, आपकी इस बहू को बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अरे मुझे तमीज सिखाने वाली तुम कौन हो? जाओ तुम यहाँ से। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, अभी मुझे बहुत सारे काम करने बाकी है, समझे? देखा माँ जी, देखा आपने इसे? अरे मेरी बात सुन बहू, ये थोड़ी सी उद्दन है लेकिन अपना काम अच्छी तरह से जानती है, इसलिए बच्चों को संभालने के लिए हमें इसकी जरूरत है। जरूरत है मतलब? आपने कहीं उसे कमरा वमरा तो नहीं दे दिया है ना? हाँ दिया है, लेकिन उसका काम अच्छा नहीं लगा तो निकाल देने में कितनी देर लगेगी? अरे माँ जी, आपने कमरा दे दिया? ये ऐसी औरत है कि एक बार कमरे में घुसेगी तो निकलने का नाम नहीं लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऐसी वैसी जरा भी उसने कुछ बात की तो हम उसे फौरन निकाल देंगे, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत है, समझी? अरे लीली, कांग्रेचुलेशंस भाभी, वाह क्या बात है, एक साथ दो दो लड़कियां इन वन गो, भाभी यू आर रियली ग्रेट। अरे पल्लवी, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया। क्या क्या लोगी तुम? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, दवाई, इंजेक्शन, राजू?
लड़कियाँ पसंद है? बहुत पसंद है। मुझे भी लड़कियाँ बहुत पसंद है। अरे मुझे तो लड़के भी बहुत पसंद है, कितने शरारती होते हैं। वैसे तुम्हें देखकर ये लगता नहीं कि सिर्फ लड़के ही शरारती होते हैं? आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगी। नहीं भाभी सच कहती है। अरे वो भी तो तुम्हारी ही शरारत थी, मेरे साथ प्यार का नाटक करके गिरीश को परेशान करना तुम्हारे आइडिया था। That was really fun, राजू। लड़कियां होती हिम्मत वाली। पता जब मैं बचपन में छोटा था। अच्छा तुम बचपन में छोटे थे? हाँ बहुत छोटा था, तो मेरी सौतेली माँ ना मुझे खाना नहीं देती थी, तो मेरी सौतेली बहन चुपके चुपके मेरे लिए खाना लाती थी। शी इज अ नाइस गर्ल। अच्छा तो तुम्हारी सेहत का राज तुम्हारी सौतेली बहन है? देखो पल्लवी, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था मेरी सेहत के बारे में, मेरे मोटापे के बारे में कुछ मत कहना। उस दिन भी तुमने मुझे मोटा कहा था। राजू मैंने तुम्हें उस दिन मोटा इसलिए कहा था कि तुम चॉकलेट मेरे लिए लाए थे और खुद खा गए, नारियल पानी मेरे लिए लाए थे और खुद पी गए, तीन तीन सेव पूरियां खाने के बाद भी तुमने सेव पूरी मांगी थी। वैसे भी तुम्हारा उपवास था। देखो बस बस, तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो कि आपस में झगड़ने आए हो? सारे हम तो यही बातें कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुमसे ज्यादा मैं खुश हूँ। कैसे? मैं बुआ जो बन गई हूँ। बुआ? अरे पूर्णिमा को बेटा हुआ है। अरे तुम लोग सीरियस क्यों हो गए? मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन पूर्णिमा और गिरीश की शादी जरूर हो जाएगी। राजू कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी आपको कैसे पता चला मैं आया हूँ? तुम्हारे परफ्यूम से। एक तुम ही तो हो जो चमेली की खुशबू वाला परफ्यूम लगाते हो। वो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। अरे रश्मि शेखर आओ, हम आपसे मिलने नहीं आए। तो भाभी हम तो उन दोनों परियों से मिलने आए हैं जो हमारे घर में उतर आई है। हाय कहाँ वो दोनों? बाजू के कमरे में सो रही है। कैसी माँ है आप, बच्चों को अकेला छोड़ दिया? मैं अब भी लेकर आता हूँ। नहीं राजू सोने दो, मुश्किल से सोई है, रात भर मुझे सोने नहीं देती। बारी बारी दोनों उठ जाती हैं और फिर रोना शुरू कर देती हैं। तुम बच्चों के बाप बनोगे ना तब समझोगे। काश। लेकिन भाभी एक बात है, बच्चे आ जाने के बाद आप ज्यादा ही खूबसूरत और खुश नजर आती हैं। वो सब छोड़ो, मेरा तोहफा कहाँ है? तोहफा? आप भूल गए होंगे, मैं तो नहीं भूली भाभी, पीछे ट्रक में आ रहे हैं। ट्रक में? अच्छा हाँ 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 भाभी पीछे ट्रक में आ रहे हैं। भाभी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ठीक है तो फिर ट्रक को आ जाने दो, फिर बाद में देख लेना बच्चियों का मुंह। नहीं भाभी ऐसा मत। अच्छा मतलब जब तक तोहफा नहीं देंगे तब तक आप बच्चियों को नहीं देखने देंगे? सॉरी शेखर भैया आप तो गए काम से। वैसे मैं तो तोहफा लाया हूँ। अच्छा कहाँ है? भाभी आइए भाभी ये है आपका तोहफा। तो आईना है? हाँ आईने में कौन है? हम सब। हम सब? ओ ये गड़बड़ों के शेखर भाई जरा किसको ना मैं अब देखो कौन है आईने में? सिर्फ मैं। बस यही तो आपका तोहफा है, मैं आपको खुद को अपने आप से मिलवा रहा हूँ। भाभी माँ बनने के बाद आपके चेहरे पर जो पूर्णता के भाव है, जो जो खुशी है आपके चेहरे पर, वो दुनिया से सबसे बढ़कर खुशी है भाभी। बस वही भाव वही खुशी मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ।